काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को। तो हेलो गाइज, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस बनाना चाहते हैं खुद के फोटोज को ऐड करके, अपनी गर्लफ्रेंड के फोटोज को ऐड करके, फिर दोस्तों किसी भी लड़की के फोटोज को ऐड करके, तो आपको कैसे बनाना होगा आज मैं आपको बताऊंगा। जो भी मटेरियल का यूज़ करने वाला हूँ उसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है सिंपली सिर्फ एक क्लिक में। उसके बाद दोस्तों हमेशा की तरह आपको ओपन करना है कैनमास्टर एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों हम रेगुलर दो वीडियो अपलोड करते हैं, दोनों वीडियो को देखने के लिए सुबह 1:30 बजे, 1 PM to 8:30 PM। तो दोस्तों दोनों वीडियो को देखिए और अपने अलग अलग तरीके के स्टेटस बनाइए, उन्हें इंस्टाग्राम पर या फिर दोस्तों कहीं पर भी पोस्ट कीजिए। कैनमास्टर एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद एडिटिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको रेशियो सिलेक्ट करना है, वो आपको फोटो ड्यूरेशन 4 सिलेक्ट कर लेना है। फिल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। अब गाइस क्या करना है, मीडिया पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको अपने वॉइस वाले फोटो को सिलेक्ट करना है खुद के। अगर आप और गर्ल्स भी अगर आप अपने फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से मैं गर्ल्स वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले तो आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, तभी आपका शर्ट काफ़ी कमाल का बन के तैयार होगा। तो जिस हिसाब से मैं बना रहा हूँ आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं कुछ फोटोज को सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ से मैंने कुछ फोटोज को सिलेक्ट कर लिया है, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और आपका भी स्टेटस काफ़ी कमाल का बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे सारे फोटो अपने आप ही फुल स्क्रीन हो गए हैं, तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है। अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, वीडियो को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया, कैची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको उसे फुल स्क्रीन कर देना होगा। फुल स्क्रीन करने के बाद वीडियो बराबर आ गई हमारी, उसके बाद आपको उसे सिलेक्ट करना होगा, नीचे आना होगा। यहाँ से आपको एक ऑप्शन रहता है क्रोमा की का, आपको उस पर क्लिक करने के बाद उसको आपको इनेबल कर देना है। की कलर यहाँ से आपको रखना है ब्लू, ठीक है दोस्तों। ब्लू कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपकी ग्रीन स्क्रीन अच्छे से हट जाएगी, जो सॉरी ब्लू स्क्रीन अगर नहीं हटती है तो दोस्तों यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है डेल कर्व का या फिर दोस्तों और भी, जिससे हम ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से हटा सकते हैं और आपकी ग्रीन स्क्रीन अच्छे से हट जाएगी और आपका स्टेटस काफ़ी कमाल का बन के तैयार होने वाला है। तो सिंपली यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा तो मैं गाइस आपको बता देता हूँ, सिंपली इस वीडियो को आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ से एरो वाले ऑप्शन में क्लिक करके मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, कुछ सेकंड में वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस जब यहाँ से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए सिंपली यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा बिल्कुल इस तरीके से। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोबारा से। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, एडिटिंग पे क्लिक करना है, फिर से आपको फोटो ड्यूरेशन को 4 सिलेक्ट कर लेना है। फिल स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। अब गाइस यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ, मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वॉइस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप वॉइस हैं तो वॉइस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं कुछ फोटो को सिलेक्ट कर ही लेता हूँ, अगर आप कह रहे हैं इतनी देर से तो दोस्तों फटाक से करता हूँ सिलेक्ट फोटो को। तो आप भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी आपका स्टेटस काफ़ी गॉर्जियस बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ से मैं फ़ोटो सिलेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करना है आपको, तभी तो अच्छे से हमारा स्टेटस बन के तैयार होगा। तो गाइस यहाँ से मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर लिए हैं, उसका शुरू में आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। जो वीडियो अभी हमने एक्सपोर्ट की है इसी एप्लीकेशन की मदद से उसी वीडियो को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं यहाँ से उस वीडियो को यहाँ से सेव कर लेता हूँ, यानी कि सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद सिंपली कैची के बराबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपको उसे फुल स्क्रीन कर देना है। जब आपकी वीडियो फुल स्क्रीन हो जाए तो दोस्तों इन फोटो को आपको डिलीट करना है। तो गाइस यहाँ से मैं इस फोटो को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो बराबर फोटो आ गए हैं, आप इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, ग्रीन स्क्रीन वाली को नीचे आना है, क्रोमा की में जाना है, इसको आपको सिंपली इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद की कलर यहाँ से आपको बस ग्रीन सिलेक्ट कर लेना है, ग्रीन आप सिलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ से अपने आप ही आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन आपकी वीडियो बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो अब आपको क्या करना होगा सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए दोस्तों के अंदर बेहतरीन हमारा इफेक्ट आ चुका है, हमारे स्टेटस काफ़ी कमाल का बन के तैयार हो चुका है।
ठीक है। अब शुरू में आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और गाइस यहाँ से आपको एक विंगेट वाली पीएनजी को ऐड करना होगा। तो गाइस हम कर लेते हैं, या इस तरीके से आपको इसे बड़ा करना होगा, नीचे ला के लगा देना होगा, उसके बाद स्क्रॉल करके आपको इसे पूरी वीडियो में कर देना है। इस तरीके से उसका शुरू में आना है, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और गाइस यहाँ से आपको एक पीएनजी को ऐड करना होगा, ये वाली, उसको आपको बड़ा करना है और इस तरीके से लाके लगा देना है। स्क्रॉल करके आपको इसको भी पूरी वीडियो में कर देना है। उसके बाद शुरू में आ जाना है, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और गाइस यहाँ से आपको एक कलर इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड कर देना होगा। तो गाइस हम उसे भी कर लेते हैं, ये वाली वीडियो। सिंपली आपको इस तरीके से रोटेट करना होगा और यहाँ से आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना होगा, कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसके वॉल्यूम को आपको ऑफ कर देना होगा, क्योंकि जो हम म्यूजिक लगाने वाले हैं वो अलग से लगाने वाले हैं, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो दोस्तों अब हमारी वीडियो काफ़ी हद तक बनकर तैयार हो चुकी है, सिर्फ हमें लगाना है म्यूजिक। अगर आप चाहें तो कोई भी अपनी गैलरी से कोई अलग से म्यूजिक लगा सकते हैं, अगर आपको वाला म्यूजिक पसंद नहीं आया। मेरे पास तो ऐसे ही पड़ा था तो दोस्तों मैंने लगा दिया। बाकी दोस्तों मटेरियल का लिंक तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो दोस्तों आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको म्यूजिक वाली वीडियो को ऐड कर देना है। वीडियो आ चुकी है, कैची के बराबर वाले ऑप्शन क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है, सिलेक्ट करना है, नीचे आना है, ब्लेंडिंग क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो यहाँ से हमारा स्टेटस काफ़ी कमाल का बनकर तैयार हो चुका है। तो सिंपली गाइस आप भी इस तरीके से अपने म्यूजिक को स्टेटस को बना सकते हैं और आपका स्टेटस भी काफ़ी कमाल का बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहें तो बॉर्डर भी लगा सकते हैं, लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको बॉर्डर पीएनजी को ऐड कर लेना है, इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद जहाँ तक है वहाँ तक सिलेक्ट करना है, उसके नीचे आना है, ब्लेंडिंग को क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना है। तो बॉर्डर भी लग चुका है, हमारा स्टेटस कमाल का बनकर तैयार हो चुका है। चलिए गाइस मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।